लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुड़ चुकी है। कोसी उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब एक बार फिर से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के अंदर अखिलेश यादव ने नई रणनीति अपनाई है। कोसी के अंदर बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी साथ नहीं थे और मायावती जी भी साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी दलितों ने अखिलेश यादव को बड़े पैमाने पर वोट किया और उन दलित वोटों को आगे लाने के लिए और अपने साथ जोड़ने के लिए अब अखिलेश यादव ने नया चाल ये चली है कि जो नेता बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के काफी करीबी हुआ करते थे, जैसे रामअचल राजभर, दासजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज जैसे नेता जो कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के खास करीबी नेताओं में गिने जाते थे, उन तमाम नेताओं को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्हें पिछले दिनों काफी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इस बार आपको बता दें कि उन्हें दलित वोट जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खबर यह मिल रही है कि लालजी वर्मा, रामअचल राजभर जैसे कद्दावर नेताओं को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव ने वैसे भी अम्बेडकर नगर जो कभी बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा था वहां पर सभी सीटें जीत ली थी, तो ऐसे में आपको बता दें कि इन नेताओं का उपयोग करके अखिलेश यादव हर कीमत के ऊपर समाजवादी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद वो जिताना चाहते हैं और इन सांसदों को जिताने के लिए 2024 से पहले दलित वोटों को अपने साथ लाना बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि अखिलेश अल्पसंख्यक समुदाय उनको बड़े पैमाने पर वोट करता है, पिछड़ा वर्ग उन्हें वोट करता है, लेकिन दलितों का वोट आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के साथ जाता है। अब दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव के पास एकमात्र यही विकल्प है कि अखिलेश यादव या तो खुद प्रयास करें, और खुद उन्होंने काफी बार प्रयास किया लेकिन उसके बावजूद भी डाइवर्ट हुए नहीं, तो ऐसे में आपको बता दें कि अब दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने दलित समुदाय के नेताओं को ही जिम्मेदारी देने की फैसला ले लिया है और दलित नेताओं को जिम्मेदारी सौंपकर उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला लिया। मिले किस वीडियो नई अपडेटों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।